आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमारा जो विषय था वो हीनयान और महायान के जो चैत्य और विहार रहे हैं उनको लेकर था। आज का जो विषय है वो रहेगा मंदिर वास्तु को लेकर, वो रहेगा मंदिर वास्तु की शैलियाँ। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया गया है और ये जो मंदिरों का निर्माण हुआ है ये शैलियों के अनुकरण पर हुआ है। प्रमुख जो शैलियाँ हैं वो हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। और ये जो शैलियाँ हैं इनके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहली शैली है वो है नागर शैली, इसे आर्य शैली भी कहा जाता है। नागर शब्द है वो नगर से बना है। ये जो मंदिर होते थे वो प्राचीन नगरों में बनाए जाते थे या उनके पास में बनाए जाते थे, इसलिए नगर से नागर शैली की उत्पत्ति मानी जाती है। इस शैली को आर्य शैली भी कहा गया है। इस शैली के मंदिरों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। इस शैली का विकास शास्त्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश भाग माना गया है वो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत माला जो है वहाँ तक के हिस्से को मध्य प्रदेश कहा गया है और वहीं पर इस वास्तु शैली का विकास हुआ है। इसमें जो आधुनिक राज्य जिनकी हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में ये जो मंदिर हैं या इस प्रकार के जो शैली के मंदिर हैं वो विकसित हुए हैं या वो बनाए गए हैं। ये जो मंदिर हैं इनका विकास मनुष्य के शरीर अनुसार हुआ है। जैसे मनुष्य के शरीर में नीचे पैर होते हैं तो वहाँ पर इन्होंने पाद यानी कि जिसे जगती और चबूतरा भी कहा गया है, उसके बाद जो जंघा है वहाँ पर दीवारों को बनाया गया है। शरीर जो कि धड़ होता है वो शिखर का उठता हुआ भाग यहाँ पर दिखाया गया है। मनुष्य की जो ग्रीवा है वो शिखर का वह भाग जहाँ से रेखाएँ अंदर की ओर मुड़ती हैं। उसके बाद जो मस्तक है वहाँ पर शिखर का ऊपरी भाग होता है, इसमें आमलक, यष्टि और पताका इसमें शामिल होते हैं। अधिकतर मंदिरों का निर्माण इसी प्रकार से किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर शैलीगत जो विभिन्नता है वो अवश्य देखने को मिलती है और वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो अलग प्रकार है इनका वो देखने को मिल सकता है। ये जो मंदिर हैं इन सभी की स्थापना एक ऊंचे अधिष्ठान यानी कि एक ऊंचे चबूतरे पर की गई है जिसे हम जगती कहते हैं। और ये जो मंदिर है इनको चबूतरे पर इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि इनके चारों कोनों पर छोटे छोटे चार मंदिर बनाए जाते थे, जो अलग अलग देवताओं के मंदिर थे वो बनाए जाते थे। और ये जो चार मंदिर हैं और एक मुख्य देवता का जो मंदिर है इनको मिलाकर पाँच मंदिर हो जाते थे, इसलिए इन्हें पंचायतन मंदिर भी कहा गया है। इनके जो नागर शैली के जो मंदिर हैं उनके जो मुख्य अंग होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इन्हें हम प्रवेश द्वार से आरंभ करेंगे। सबसे पहले जब हम सोपान चढ़कर यानी कि सीढ़ियाँ चढ़कर जो पहला जो भाग है वास्तु का उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो उसे हम अर्ध मंडप कहते हैं। ये एक छोटे बरामदे की तरह होता है। जब हम नागर शैली के मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम अर्ध मंडप में ही पहुँचते हैं। ये जो अर्धमंडप है ये खंभों पर टिकी हुई एक छत है जो बरामदे की तरह भी कहीं कहीं पर बनाई गई है। इसके बाद जो अगला भाग होता है वो मंडप होता है। मंडप अर्धमंडप से अगला हिस्सा है, यानी कि अर्धमंडप से जब हम अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको कक्ष दिखाई देगा जिसे मंडप कहा गया है। कहीं कहीं पर इसे स्तंभों के साथ बनाया गया है, कहीं कहीं पर बिना स्तंभों के भी छत को टिकाकर इसको बनाया गया है। इसे जगमोहन भी कहा जाता है। मंडप के बाद जो वास्तु अंग आता है उसे हम महामंडप कहते हैं। महामंडप जो नागर शैली है उसमें बाद के मंदिरों में जोड़े गए हैं। पहले के जो मंदिर हैं उनमें केवल जगमोहन यानी कि मंडप और जो गर्भगृह है या अर्धमंडप है वही वास्तु अंग प्रमुख होते थे। यहाँ पर देवता के जो उपासक थे वो इकट्ठा होकर जो पूजा पाठ आरती वगैरह यहाँ पर करते थे। इसके बाद जो हमारे पास भाग आता है वो आता है अंतराल। अंतराल जिससे शब्द से ही पता चलता है कि दो भागों के बीच का स्थान यानी कि गर्भगृह और मंडप के बीच वाला जो स्थान है जहाँ पर खड़े होकर जो उपासक हैं वो गर्भगृह में स्थापित भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं, वो जो स्थान है उसको अंतराल के नाम से जाना जाता है। ये जो इकाई है वास्तु की ये मंडप और गर्भगृह वाला जो स्थान है उसको जोड़ने का काम करती है, यानी कि बीच में एक बरामदा होता है उसे ही हम
हम अंतराल का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रमुख वास्तु अंग है वो है गर्भगृह। ये जो वास्तु अंग है जिसमें एक छोटा कमरा होता है और उसी में देवता की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया जाता है। यहाँ पर उतना प्रकाश नहीं होता और देवता की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है इसीलिए इसे गर्भगृह कहा गया है। कहीं कहीं पर गर्भगृह को देउल भी कहा जाता है। अगला जो वास्तु अंग है वो है प्रदक्षिणापथ। प्रदक्षिणापथ जहाँ पर जो उपासक होते हैं वो जो गर्भगृह है उसकी परिक्रमा करते हैं और ये जो वास्तु अंग है वो आपको गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक बरामदे के रूप में दिखाई देगा। ये जो सारे अंग हैं वो एक के साथ एक क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नागर शैली के मंदिरों में जो बाहरी स्वरूप है या बाहरी जो उसका प्रारूप है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको इनमें रेखाएं दिखाई देंगी जिसे हम प्रक्षेपण कहते हैं, जो उनमें जोड़े गए हैं और ये जो मंदिर का शिखर होता है वहाँ ऊपर तक जाती है। ये जो प्रक्षेपण होते हैं उन्हें रथ कहा जाता है। जितने प्रक्षेपण होते हैं उतने ही रथ का मंदिर उसे कहा जाता है, जैसे सप्तरथ, पंचरथ, इस प्रकार के मंदिरों के प्रक्षेपण के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। नागर शैली के जो मंदिर हैं उनका एक प्रमुख वास्तु अंग है उसे शिखर कहा गया है। गुप्त काल से ही शिखर बनने आरंभ हुए थे लेकिन धीरे धीरे इनका विकास होता गया और ये जो विकास है वो शैलीगत रूप से भी और क्षेत्रीय रूप से दोनों तरह से आपको दिखाई देगा। शिखर ऊंचे बनाने के पीछे एक कारण ये था कि जो उपासक हैं वो दूर से ही मंदिर को देखकर वहां तक पहुंच सके और दूसरा जो एक मिथ रहा है कि आपका जो मंदिर है उस शिखर उसका ऊंचा होगा तो जो आराध्य देवता हैं उनके पास जो आपकी प्रार्थना है वो जल्दी पहुंच जाएगी। और ये मिथ हम सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों में ही नहीं, मस्जिद की जो मीनार है या फिर चर्च के जो टावर हैं उनमें भी हम देख सकते हैं, यानी कि प्रत्येक धर्म में इस प्रकार के मिथ को अपनाया गया है। नागर शैली में शिखर का जो निचला भाग होता है या आधार जो होता है वो चौकोर होता है। शिखर को मुख्यतः गर्भगृह पर बनाया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह गर्भगृह का ही अंग हो। नागर शैली के जो मंदिर है वहाँ पर आपको अन्य छोटे छोटे लघु शिखर भी देखने को मिलेंगे जिन्हें अंग शिखर या उरु श्रृंग भी कहा जाता है। ये जो शिखर है वो एक समाप्त होता है तो दूसरा वहाँ से आरंभ हो जाता है और ये शीर्ष तक जाते हैं, यानी कि जहाँ पर आमलक बना होता है वहाँ तक ये जो उरुश्रृंग है या अंग शिखर है वो वहाँ तक बनाए जाते हैं। शिखर पर जाकर एक चौरस आधार आपको मिलेगा जिसे ग्रीवा या केकी कहा जाता है। उसके ऊपर का जो भाग है वो शीर्ष भाग कहलाता है। इसमें आमलक जो एक खरबूजे के आकार की आकृति होगी, आमलक के ऊपर वाले भाग को हम कलश का नाम देते हैं। उसके ऊपर आपको एक यष्टि यानी कि एक डंडा वहाँ पर आपको दिखाई देगा और उसमें डंडे में यानी कि यष्टि में आपको पताका दिखाई देगी जो कि देवता का चिन्ह होता है। नागर शैली का जो प्रवेश द्वार होता है वो आयताकार होता है और इसमें जो सिरदल यानी कि जो ऊपर वाली चौखट होती है उस पर आपको गज लक्ष्मी की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी दोनों भुजाओं पर यानी कि दाएं और बाएं भुजा पर आपको गंगा यानी कि मकरवाहिनी गंगा और दूसरी तरफ कूर्मवाहिनी यमुना की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। गुप्त काल से ही इनका बनना आरम्भ हो गया था। तो ये थी नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की विशेषताओं की। द्रविड़ शैली, द्रविड़ जो प्रदेश है उसे कृष्णा नदी से लेकर जो कन्याकुमारी है वहाँ तक के स्थान को माना गया है। इसमें जो आधुनिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, निचला जो आंध्र प्रदेश है उस स्थान में इस प्रकार के मंदिरों को बनाया गया है। ये जो मंदिर होते हैं ये आपको एक विशाल आंगन में या विशाल प्रांगण में दिखाई देंगे जो कि चार दीवारी, एक ऊंची चार दीवारी से घिरे हुए होते हैं जिसे प्राकार कहा गया है। प्रवेश करने के लिए एक द्वार यहाँ पर बनाया गया है जो काफ़ी विशाल और चौड़ा होता है जिसे गोपुरम कहा गया है। गोपुरम को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऊपर वाला जो खंड है जिसमें गाय की आकृति के सिंह की तरह इसे बनाया जाता है इसीलिए इसे गोपुरम का नाम दिया गया है। दूसरा जो खंड है उसे तोरण कहा जाता है। ये जो द्वार है इसकी अधिक ऊँचाई होने के कारण इसे विमान भी कहा गया है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं
आवश्यक नहीं है कि वो सभी एक चबूतरे यानी कि एक अधिष्ठान पर ही उनको बनाया गया हो। कहीं कहीं पर आपको अधिष्ठान दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर नहीं भी दिखाई देंगे। जहाँ पर अधिष्ठान बनाए गए हैं उनको सजाया गया है, काफ़ी कलात्मक उनको बनाया गया है। कहीं कहीं पर पशुओं का इस प्रकार से अंकन किया गया है जैसे पूरे मंदिर को वो अपनी पीठ पर ही ढो रहे हों। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनके आंगन में आपको एक जलाशय दिखाई देगा जिसमें कि सीढ़ियाँ बनी हुई होंगी। द्रविड़ शैली के जो मंदिर के अंग हैं कहीं कहीं पर वो आपको एक सीध में दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी दूर अलग अलग करके उनको बनाया गया है और कहीं पर आपको बगल में दिखाई देंगे जो दूरी पर बने हैं। और इनको जोड़ने के लिए रास्ते में आपको पुल या रास्ता बनाया हुआ अवश्य दिखाई देगा। ये जो मंदिर है इनके जो वास्तुअंग हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो है वो है भोग मंडप। मंदिर में भोग लगाने की जो सामग्री होती है उसको रखने के लिए ये जो कक्ष है उसे बनाया गया है और इसीलिए इसका जो नाम है वो भोग मंडप रखा गया है। अगला जो वास्तुअंग है वो है मंडप का। नागर शैली के मंदिरों में जिस प्रकार से जो जगमोहन है उसमें उपासक इकट्ठा होकर पूजा करते थे, उसी प्रकार से द्रविड़ शैली के जो मंडप है उसमें भी जो साधक हैं वो इकट्ठा होकर पूजा या उपासना है वो करते रहे होंगे। तीसरा जो प्रमुख भाग है वो है गर्भगृह। जो गर्भगृह है वो नागर शैली की तरह ही यहाँ पर भी जो देवता की मूर्ति है उसकी स्थापना की जाती थी। उससे अगला जो हमारे पास वास्तु अंग है वो है नंदी मंडप। नंदी मंडप को शिव के जो मंदिर हैं यानी कि शैव मंदिरों में नंदी के लिए एक अलग से मंडप बनाया गया है जिसमें नंदी की मूर्ति को रखा जाता है और इसी को नंदी मंडप का नाम दिया गया है। उसके बाद जो अगला हमारा वास्तु अंग है वो है महामंडप का। यहाँ पर जो महामंडप है वो प्रदक्षिणा पथ का काम करता है। ये गर्भगृह से लेकर भोग मंडप तक के चारों ओर एक बरामदा होता है जो कि प्रदक्षिणा पथ का काम करता है। इनका जो आधार भाग है वो वर्काकार होता है। द्राविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनके शिखर आपको पिरामिड के आकार के दिखाई देंगे जो कि कई तहों में बने होते हैं। तह यहाँ पर कई स्तर होते हैं और एक जो तह होती है उसको एक भूमि या एक रतन का नाम भी दिया जाता है। ऊपर वाला जो भाग है नीचे वाले से छोटा होता जाता है और सबसे ऊपर वाली जो भूमि है वो सबसे छोटी होती है। उसके ऊपर एक आपको स्तूपिका दिखाई देगी। स्तूपिका में कई कोण बनाए गए हैं। उसके ऊपर आपको एक कलश दिखाई देगा और उसके बाद जो देवता का चिन्ह होता है वो वहाँ पर अंकित किया जाता है। द्रविड़ के जो मंदिर हैं उनकी दीवारों को जो हॉरिजेंटल लाइन होती है यानी कि क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं उनके द्वारा विभक्त नहीं किया जाता जैसा कि हमने नागर शैली के मंदिरों में देखा है। यहाँ पर रेखाएं बनी भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में बनाई गई हैं, नहीं तो ना के बराबर आपको जो रेखाएँ हैं वो दिखाई देंगी। अगली जो वास्तु शैली है वो है बेसर शैली। बेसर का अर्थ होता है खच्चर। खच्चर जो कि घोड़ा और गधा का एक तरह से मिश्रित जाति का पशु है और इसी मिश्रण की वजह से इसका नाम बेसर रखा गया है क्योंकि बेसर जो शैली है उसमें नागर शैली और जो द्रविड़ शैली है दोनों का मिश्रित रूप हम देख सकते हैं। ये जो शैली है वो विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक विस्तृत रही है जहाँ पर नागर शैली समाप्त होती है और जहाँ से द्रविड़ शैली आरंभ होती है उसके बीच का जो स्थान है वहाँ पर इस प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि मध्य स्थान होने की वजह से नागर शैली और जो द्रविड़ शैली है दोनों का प्रभाव इसके ऊपर स्वाभाविक रूप से पड़ा है। इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो हमें महाराष्ट्र या ऊपरी जो आंध्र प्रदेश है उसमें देखने को मिलेंगे। इन मंदिरों का संबंध चालुक्य और होयसलों से विशेष रूप से रहा है। आरंभ में चालुक्य शासक के जो मंदिर थे वो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को अलग अलग करके बनाते थे लेकिन बाद में जो दोनों शैलियां हैं उनको मिश्रित करके ही मंदिर हैं वो बनाए जाने लगे यानी कि बाद के जो चालुक्य हैं उनके काल में इन दोनों शैलियों का संगम हो गया और यही संगम बेसर शैली कहलाता है। ये जो मंदिर हैं इनमें चार दीवारी आपको दिखाई नहीं देगी जिस प्रकार से हमें द्रविड़ शैली में दिखाई देती है यानी कि ये जो मंदिर हैं वो प्राकार विहीन है। इनकी आधार योजना में अर्धमंडप मंडप और जो विमान है वो प्रमुख है। नागर जो शैली से प्रभावित है यानी कि जो दीवारें बनाई गई हैं वो नागर शैली से प्रभावित बनाई गई हैं और इनके अंदर का जो भाग है वो द्रविड़ शैली के प्रभाव का देखा जा सकता है।
ग्रिप ग्रह की जो आधार योजना है वो इसमें मिश्रित है, यानी कि आपको द्रविड़ शैली भी और नागर शैली भी दोनों के प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। कहीं पर जो ग्रिप ग्रह है वो आयताकार दिखाई देगा और कहीं पर है वो आपको जो वर्गाकार है वो दिखाई देगा। जो इनका प्रवेश द्वार है वो आगे की तरफ ना बनाकर इन्होंने पीछे की तरफ बनाया है। आगे की तरफ यहाँ पर आपको एक स्तंभ वाली बरसाती दिखाई देगी। ये जो मंदिर है इनमें मुख्यतः अंधेरा ही होता है और इस जो मंदिर के अंधेरे वाले दोष को हटाने के लिए इन्होंने दीवारें जो है मंदिर की उनको काफ़ी ही अलंकृत कर रखा है। यहाँ पर आपको जो प्रवेश द्वार है वो बहुत ही अलंकृत दिखाई देगा। उसके दोनों ओर आपको दो अर्धस्तंभ बनाए देंगे और यहाँ पर जो स्तंभ निर्माण है उसकी शैली अलग तरह से बनाई गई है। तो ये तो थी भारतीय मंदिर निर्माण की प्रमुख वास्तु शैलियाँ। आगे की जो वीडियो है उसमें हम इन शैलियों के अंतर्गत आने वाले मंदिरों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।